आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की पुलिस से तीखी नोकझोंक। पुलिस अधिकारी और सपा प्रत्याशी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज मतगणना हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें मतगणना स्थल से अंदर जाने पर रोक दिया। इस पर पुलिस अधिकारी और सपा प्रत्याशी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम बदलने के गंभीर आरोप भी लगाए। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से यहां मतगणना जारी है। सुबह से ही यहां मतगणना को लेकर गहमागहमी हो रही है। वहीं यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के प्रशासनिक अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें मतगणना स्थल से अंदर जाने पर रोक दिया। इस पर पुलिस अधिकारी और सपा प्रत्याशी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम बदलने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बताया जा रहा है कि सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव स्ट्रांग रूम के अंदर जा रहे थे। इस पर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें कहा था कि स्ट्रांग रूम में जाने के लिए जिलाधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे धर्मेंद्र यादव खफा हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदलने का खेल किया जा रहा है। हालांकि करीब 25 मिनट बाद प्रशासन ने धर्मेंद्र यादव को अंदर जाने दिया। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।